आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टू कलर डिजाइन। चलिए ये डिजाइन कैसे बनते बना के देखते हैं। डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये दो दो सिलाई की डिजाइन है फ्रेंड्स, दो दो सिलाई में एक डिजाइन बनते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं डिजाइन की पहली सिलाई है, ध्यान दीजिए। डिजाइन की पहली सिलाई है, देखिए पहली सिलाई में ये जो मैंने बेस कलर रखा है, इससे पहले दो सिलाई बनाऊंगी, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे की साइड, अब देखिए ये जो तीन फंदे हैं, तीन फंदे में एक डिजाइन बनते हैं। तो देखिए ये बीच वाला फंदा मैंने उठाया, अब ये बीच वाला ये जो फंदा है फर्स्ट वाला, इसको देखिए दोबारा इसमें डाल लिया। अब ये धागा को इस साइड लाए, देखिए ये तीन फंदा इसमें डाल लिया। अब ये तीनों को एक साथ, देखिए इसमें से तीन फंदे में से तीन फंदे दोबारा निकालना है, देखिए एक, तो देखिए ये तीन फंदे में से तीन फंदे ही निकालना है। तो ये देखिए ऐसे पीछे से एक फंदा देखिए निकाला। अब इसी को, ये फंदे को छोड़ना नहीं, ये तीनों को ऐसे ही दबा के रखना। अब ऊपर से देखिए ऐसे फिर से इसको डबल घुमाया, तो दो फंदा हो गया। अब इसी में से देखिए दोबारा निकालेंगे तो ये तीन फंदा हमारे निकल गए, देखिए तीन फंदे में से तीन फंदा निकाला। अब धागा फिर से आगे किया, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से यही रिपीट रिपीट करना है हमें। देखिए ये बीच वाला ऐसे ही ले लिया, अब इसको छोड़ दिया, दोबारा इसी में डाल लिया, ये देखिए दोबारा इसी में डाला। अब ये इसको दोबारा इस सिलाई में डाल लिया, देखिए बीच वाले के सामने लाया। अब ये तीन फंदे को फिर से एक सिलाई में लेना है, देखिए तीन फंदे को एक सिलाई में लिया, देखिए एक फंदा, ये दो फंदा, अब इसी में से देखिए तीन फंदा, देखिए एक दो तीन, तीन फंदा मैंने छोड़ा और तीन फंदा उठाया, तो ये तीन फंदे को अब स्लिप कर दिया, देखिए। अब फिर से धागा आगे लाया, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर से वही रिपीट करना है। आपने जितना फंदा लेना है फ्रेंड्स, इसी से ऐसे हिसाब करके लेना, फोर फोर प्लस करके, देखिए फिर से इस फंदे को इसमें डाल लिया। अब ये तीन फंदे को ये देखिए, तीन फंदे में से तीन ही फंदा निकालना है, एक दो, ये तीन, तीन फंदे में से तीन फंदा निकाला, इसको छोड़ा। अब एक फंदा, सॉरी ये फंदे को इसको उल्टा बनाना है, देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर से ये जो तीन फंदे हैं, इसमें से तीन फंदा निकालेंगे, कि बीच वाला पकड़ा, अब इसको दोबारा इसमें डाल लिया, अब इसको भी इसमें डाल लिया, देखिए ये जो तीन फंदे हैं, तीन में से हमें तीन ही निकालना है, एक दो, ये तीन, देखिए एक दो तीन, तीन में से तीन फंदा निकाला। पहली सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो रो नंबर टू है, टू रो पर देखिए ये जो हमारे तीन फंदे में से तीन फंदा निकाला, इसको हमें क्या करना है, देखिए एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा बिना, धागा पीछे की साइड लाया, एक फंदा सीधा, अब फिर से धागा आगे लाया, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक
दो, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए, देखिए दो सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। रो नंबर थर्ड है, थर्ड रो पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो फंदा है, ये जितनी फंदे हैं सारे फंदे को सीधा सीधा एक सिलाई बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए, सारे फंदे को सीधा बिनना है फ्रेंड्स। ये बहुत आसान पैटर्न है, ये कोई भी बना सकती है। देखिए, जितनी फंदे हैं सारे फंदे को सीधे सीधे बना के कंप्लीट करना है। देखिए, रो नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर फोर्थ है, फोर्थ रो पर देखिए, सारे फंदे उल्टा बना के कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ये फोर्थ रो का डिजाइन है। ये फोर्थ रो में एक डिजाइन बन के कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इसको डबल सिलाई में भी बना सकते हैं।